Have you seen the Perman anyway? Wiki, Wiki! What am I wearing? I don't understand. ये भी अच्छा नहीं लग रहा और ये तो उससे भी बेकार है। क्या बात है, तुम अपने कपड़े सिलेक्ट करने में इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो मित्सुओ? मेरी ड्रेस पाको की ड्रेस जितनी कभी भी सुंदर नहीं होती। इस बार मैं भी डिजाइनर और सुंदर कपड़े पहनकर और स्मार्ट लगना चाहता हूँ, यही बात है। लेकिन ये सब आज क्यों कर रहे हो? आज तो सिर्फ लेडीज वीकली मैगजीन का एडवर्टीजमेंट देना है। क्या पहनूं मैं, सबके सब वहाँ पहुँचते ही होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। अरे तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों, मेरी ड्रेस में क्या खराबी है? तुम जरा अपनी देखो, तुमने तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी है। दिखाई नहीं देता, ये तो मेरा स्टाइल है। क्या हुआ दोस्तों, क्या तुम्हें मेरी ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी? दरअसल मैंने ये अपने पड़ोसी से उधार ली है। ये तुम पर इतनी अच्छी नहीं लग रही है। क्या, ये अजीब लग रही है? अब तो बस बूबी ही रह गया है। अरे ये तो डिंग डोंग बैंड है जो खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अरे वो उन सबके पीछे कौन जा रहा है? कहीं वो हमारा बूबी तो नहीं है? क्या कहा, तुम उनकी एडवर्टाइजमेंट बटवाने में मदद कर रहे थे जिससे तुम ये ड्रेस मुफ्त में पहन सको? कहना पड़ेगा बूबी हम सबसे अच्छा लग रहा है। इस ड्रेस में तुम अच्छे लग रहे हो बूबी। तब तो हम बूबी को बंदर का खेल दिखाने को कहेंगे। अरे लगता है ये हमसे नाराज हो गया। हाँ मुझे भी यही लगता है, हमारी वजह से उसे दुख हुआ है। कैमरा ऑन है, घूमना शुरू करो। एक्शन। रुको, कुछ अच्छा करके दिखाओ। जरा अपने ड्रेस को देखो, फट गई है पीछे से। सर क्या आप मेरे लिए दूसरा ड्रेस बनवाएंगे प्लीज? ये असिस्टेंट का काम करना तो बहुत ही। अरे नहीं, अब क्या हुआ? क्या इन्हें पता नहीं कि मैं अभी अभी घर आया हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? परमान जल्दी करो, जरूरी काम है। ओ, फिर से नहीं, मैं आज थोड़ा सा आराम करना चाहता था और कॉमिक्स बुक पढ़ना चाहता था। परमान आ गया। पाको बोलो क्या बात है? मुझे अभी अभी पता चला है कि एक इमारत के नीचे कुछ बच्चे दब गए हैं। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन वो बूबी कहाँ है? लगता है उसे थोड़ी देर हो जाएगी। तो ठीक है, उसका इंतजार करना बेकार है। चलो पाको चलते हैं उनकी मदद करने। ओह वो देखो बेचारे बच्चे। अरे परमान उनकी मदद करो, ये इमारत किसी भी समय गिर सकती है, इसलिए प्लीज उन्हें बाहर निकालो। डरो मत, हम है ना। ये इमारत तो चलते हैं। अरे भाई कौन है तुम, मुझे बताओ। ये आखिर है कौन? ये तो किसी राक्षस जैसा लग रहा है, लेकिन ये तो परमान जी भी ताकतवर दिखता है। लगता है ये लोग हमें बिल्कुल भूल ही गए हैं। चलो वापस चले। आखिर वो आदमी था कौन? मुझे भी नहीं पता। बूबी अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? चलो यहाँ से काम खत्म हो चुका है। अज्ञात व्यक्ति बहुत बड़े कारनामे करके दिखा रहा है, उसने बर्फीले तूफान में फंसे लोगों को बचाया, तो क्या हम इस अज्ञात व्यक्ति को पमैन नंबर 5 कह सकते हैं? अज्ञात व्यक्ति ने बहुत से अपराधियों को भी पकड़वाया, कहा जाता है ये है नया परमैन। हमारे सिवा दूसरा कोई परमैन नहीं हो सकता। अरे मित्सुओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम टीवी नहीं देख रहे? तुम्हें पता है टीवी पर एक नया परमैन दिखा रहे हैं? देखो ना जल्दी। अज्ञात परमैन ने दोबारा से एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, प्लीज आप हमें बताइए कि आखिर आप है कौन? क्या हम आपको परमैन नंबर 5 कह सकते हैं? वाव ये तो ताकतवर है, कैसे उड़ रहा है? जानको क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? वो परमैन नहीं है समझी तुम? अगर तुम्हें ये बेकार प्रोग्राम देख रहा है तो नीचे जाकर देखो, जाओ। तुम उस नए परमैन से चल। Kick, 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 kick.
बूबी बूबी जल्दी करो, इमरजेंसी है बूबी, जल्दी करो इमरजेंसी। आखिर कब तक हम इस अज्ञात व्यक्ति को परमान बना रहने देंगे? हाँ, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, आजकल जा भी देखो हर कोई उसी व्यक्ति की तारीफ में लगा हुआ है। हमें कुछ तो करना ही होगा और पता करना होगा कि वो है कौन। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अगर हमने उसे ऐसा करने से रोका नहीं तो कल को फिर कोई और नया परमान बन जाएगा। हाँ, मुझे तो लगता है इस अज्ञात व्यक्ति को स्टाइल मारने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए तो ये सब काम वो स्टाइल मार कर रहा है। ये तुम मेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि अज्ञात व्यक्ति पायान है। ये ड्रेस किसी से उधार ली होगी और कोई नहीं तुम ही हो पायान। मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये परमान नंबर वन हो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये वक्त आपस में लड़ाई करने का नहीं है। मैं क्यों चुप रहूं? आज तक चुप नहीं रही मैं। बंद रखो पाको। बूबी, क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे इस बारे में? क्या कहा? वो जो कोई भी अज्ञात व्यक्ति है उसने तुम्हें भी बचाया है। अरे तुम तो मेरे बूबी के रोबोट हो, है ना? अच्छा, तो ये थी वो उस अज्ञात आदमी की ड्रेस। क्या तुम्हारा मतलब वो अज्ञात आदमी बूबी है? नहीं नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? वो ऊंचे जूते और ये ड्रेस पहनकर रिकॉर्डेड आवाज का प्रयोग करता है? समझ में नहीं आता बूबी ऐसा क्यों करता है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं परमान बोल रहा हूँ। कौन है, पाको तुम हो या पायान तुम हो? बूबी तुम? क्या हेलीकॉप्टर जल गया है और कभी भी गिर सकता है, तो तुम उसे अकेले नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए मैं वहाँ जाऊँ तो तुम अपने अज्ञात दोस्त को क्यों नहीं बुलाते? वो तुम्हारी मदद करेगा। अरे नहीं, ये हेलीकॉप्टर तो किसी भी समय गिर सकता है। अरे देखो अब आ गया। ऐसा लगता है ये अज्ञात आदमी फिर से आ गया है। इस बार तो असलियत पता करके रहेंगे। दोस्तों इधर आओ इधर। परमान, क्या तुमने उस अज्ञात आदमी को देखा है? दरअसल तो क्या वो इस बार भी बचकर निकल गया? हाँ निकल तो गया, पर इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब वो कभी नहीं आएगा। क्यों, है ना बूबी? मुझे लगता है कि बर्डमैन ने उस आदमी को भेजा होगा ताकि हम अपना काम और मेहनत से कर सके। आजकल हम एक दूसरे के ऊपर ज्यादा जलन की वजह से काम नहीं कर पा रहे। सही कह रहा हूँ ना मैं बूबी? शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि हम लड़ना छोड़कर अपना काम मिलकर कर सके, है ना? बर्डमैन सचमुच बुद्धिमान है। मुझे भी यही लगता है। तुम क्या कहते हो बूबी? बूबी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पाकू और पायन को कभी नहीं बताऊंगा कि वो अज्ञात आदमी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। बूबी मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओगे? अरे शुक्रिया। अच्छा बूबी एक और काम कर दो ना, मेरा बहुत सा होमवर्क बाकी है, कर दो ना।